नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों सबसे पहले तो मेरे सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके एक एक सब्सक्रिप्शन के कंट्रीब्यूशन से मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है बैंकिंग सेक्टर की बहुत ही हॉट न्यूज़, IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन एंड ट्रेड यूनियन के बीच में MOU साइन हो चुका है। मैंने इसके रिगार्डिंग पहले से वीडियो डाल चुका हूं अपने चैनल पे, आप मेरे चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें आपको मैंने दो वीडियो डाली थी पिछले थी, जिसमें न्यूज़ बताई गई थी कि नई सैलरी अभी नहीं आ चुकी है और बाईपार्टाइट सेटलमेंट फाइनल हो चुका है। और दूसरी वीडियो में मैंने दोस्तों बताया था कि आपकी जो पहले पुरानी बेसिक के हिसाब से नई बेसिक कितनी होगी। इन दोनों वीडियो के लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके अगर इनको नहीं देखा तो उनको देख सकते हैं। और मेरी जो दूसरी वाली वीडियो थी जिसमें 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट कैलकुलेटर ऑफिसर क्लर्क सब स्टाफ के लिए मैंने दिया था, एक एक्सेल शीट बना के दी थी जिसमें सबके लिए सब स्केल के वाइज उनकी पुरानी बेसिक के हिसाब से नई बेसिक निकाल के दी थी। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जैसे जैसे मेरे इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स आए और मैंने एक एरियर शीट बना के तैयार की है। एरियर शीट एक एक्सेल शीट में मैंने बनाई है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट होगी और इसकी मैंने जो पासवर्ड होगा वो अपनी इस वीडियो में लास्ट में दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप इसको अनलॉक करके अपने जो सैलरी का एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सेल शीट में, जैसे कि हमने खोल रहे हैं, इसमें मैंने एक ऑफिसर स्टाफ का नवंबर 2017 में जिसने ज्वाइन किया है उसको मान के चल रहे हैं, और HRA 10% मान के चले हैं जो कि रिवाइज होगा, जो कि अभी फाइनल नहीं हुआ। स्पेशल पे 12.5% हमने मानी है अपने अनुमान के अनुसार। ये सभी चीज़ें जैसे HRA है, CCA है, स्पेशल अलाउंस है, ये सारे मुद्दे अभी फाइनल होने बाकी हैं। आने वाले 90 दिनों में ये फाइनल हो जाएंगे। फाइनल होने के बाद दोस्तों जो भी नया रिवाइज होगा वो बिल्कुल एक्चुअल कैलकुलेशन के साथ एक बार दोबारा आपके लिए लेके आए हैं। और इस वीडियो में जो एक्सेल शीट है इसको सारे फील्ड इसमें एडिट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, इसमें अपनी बेसिक डाल के बेसिक अपनी पुरानी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, वॉयलेट कलर में ओल्ड ग्रॉस सैलरी आपकी आ जाएगी, उसके बाद इस कॉलम और ये जो न्यू बेसिक आ जाएगी, न्यू बेसिक के हिसाब से आपको जो फाइनल में आ जाएगी ग्रॉस सैलरी, ये भी वॉयलेट कलर किया हुआ है मैंने इसका। और लास्ट में दोस्तों जो आपकी नई सैलरी ग्रॉस बनेगी उसका पुरानी ग्रॉस सैलरी से डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस के हिसाब से सबसे नीचे दोस्तों इस शीट के उसका टोटल किया हुआ है। एक जिस ऑफिसर स्टाफ जिसने नवंबर 2017 में ज्वाइन किया है और एक अपने फर्स्ट स्केल से स्टार्ट होके उसकी सैलरी और उसका इंक्रीमेंट लग रहा है हर साल नवंबर में, यहाँ पे उसकी नवंबर 2018 में सैलरी का इंक्रीमेंट लगा, उसके बाद नवंबर 19 में लगा, फिर उसके बाद नवंबर 20 में लगेगा, मैंने उसको बेस मान के ये कैलकुलेशन शीट तैयार की है। आप अपने हिसाब से इसमें अपनी बेसिक ऐड कर सकते हैं और इसके बाद अपना जब भी आपका इंक्रीमेंट लगेगा जिस महीने में, उस महीने में जाके इंक्रीमेंट बढ़ा के अपनी नई बेसिक ऐड करेंगे, बाकी सारी कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। आपको सिर्फ अपनी ये बेसिक वाला कॉलम ही चेंज करना है। और मैंने जैसे ऊपर इंफॉर्मेशन दे ही रही है, दिस कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन द न्यू HRA एट द रेट ऑफ 10%, स्पेशल पे 12.50% एंड फॉर ए पर्सन हु इंक्रीमेंट ड्यू इन नवंबर एवरी ईयर एंड स्टार्ट इज बेसिक सैलरी 23,700। इसके हिसाब से दोस्तों आप अपना एक अंदाजन एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपको ये और बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये जो कैलकुलेशन शीट है एक्सेल में ये फाइनल और एक्चुअल नहीं है, ये हमने सिर्फ एक अंदाज से बनाई है पे जो HRA या फिर स्पेशल पे है वो कितना कितना हो सकता है। हमने मान के चले हैं जैसे 12.5%, हमने ये माना हुआ है 12.5%, और 12.5% से हो सकता है ज़्यादा भी बढ़े। HRA हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 10%, 10% से हो सकता है ज़्यादा भी बढ़े, कम ज़्यादा कितना भी हो सकता है उसके हिसाब से।
और यहाँ पे जो नए डीए के रेट होंगे वो लिखे हुए हैं, यहाँ पे पुराने डीए के रेट लिखे हुए हैं, इनको भी आप चेंज तो कर सकते हैं। वैसे मैंने बिल्कुल एक्चुअल इनको डाला हुआ है। तो दोस्तों ये तो थी इंक्रीमेंट शीट आपकी अपनी कैलकुलेशन के लिए। आप अपना जान सकते हैं कि आपका जो एरियर के अप्रॉक्सीमेट कितनी अमाउंट आपको मिलने वाली है। सो 11th बाईपार्टिट सेटलमेंट का मिशन जो अभी सेटलमेंट हो चुका है, इसके 90 दिनों में ये भी फाइनल हो जाएगा। फिर आपके सामने सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि कितना कितना एरियर आपको मिलने वाला है। उतने दिन के लिए आप इस एक्सेल शीट में अपनी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। सो दोस्तों ये अवार्ड स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, सब स्टाफ सबके लिए ही यूज़ आ सकती है। आप अपनी बेसिक ऐड करके बाकी फील्ड अगर कुछ लगे तो आपको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ दैट्स द सेम। तो दोस्तों आप बताना अगर एक्सेल शीट के बारे में आपके कोई भी कमेंट्स होंगे, कोई आपके डाउट्स होंगे, तो ऑल कमेंट्स आर वेलकम। मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स का जवाब देने में। धन्यवाद दोस्तों। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी अपने बैंकर भाइयों को उनके सवालों का जवाब मिले, उनको फ़ायदा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर दिस वीडियो। आपको इस एक्सेल शीट का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसका पासवर्ड है 123SINGH स्मॉल लेटर में, 123SINGH। थैंक यू।